हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस ब्लॉग में। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं क्रेग नैनो नेचर पार्क और एक और जगह है, उसको तभी जाके बताऊंगा। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अभी हम आ गए हैं धगोगी बस स्टॉप पे और धगोगी बस स्टॉप शिमला से लगभग 10 किलोमीटर है और यहाँ जो भी तत्ता पानी नालदेहरा के लिए बस जाती हैं वो सब आपको धगोगी उतार देंगी और वहाँ से ये सामने पैदल रास्ता जाता है ऊपर को नेचर पार्क की तरफ और यहाँ से हम जाएंगे अभी ऊपर नेचर पार्क की तरफ। ये जगह है जी धगोगी। तो दोस्तों अभी हम चल पड़े हैं, वहाँ हम नीचे वाली सड़क पर उतरे थे, वो नीचे जो सड़क है नीचे सड़क दिख रही होगी आपको हल्की हल्की पेड़ों के बीच में से, तो वहाँ उतरे थे, वहाँ से चढ़ के हम यहाँ पैदल ऊपर आ गए। ये दूसरी सड़क है, ये ऊपर जा रही है और इसी सड़क पे आगे जाके हमारी डेस्टिनेशन है क्रेग नैनो या कारिक नैनो। नेट पर सर्च करो तो कारिक नैनो पढ़ा जाता है, वो कारिक नैनो नेचर पार्क। तो आज हम नेचर पार्क घूमने जा रहे हैं, समय काफ़ी हो चुका है, समय बज गया है 1:30। शिमला से चले थे हम लगभग 11 बजे और भटकते भटकते बसें बदलते बदलते हम आ पहुँचे हैं यहाँ पर। नीचे जो सड़क जाती है तत्ता पानी को नालदेहरा को, उस सड़क पर धगोगी जगह है एक मशोबरा से आगे, तो धगोगी बस स्टॉप पे उतर के हम यहाँ इस सड़क पे आ गए हैं और अभी जा रहे हैं हम आगे। देखो आगे देखते हैं क्या मिलता है, बने रहिए इस ब्लॉग में आगे तक हमारे साथ, और ब्लॉग पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा और नए आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ, घूमता रहता हूँ नई नई जगह, तो जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ के बारे में आपको बताता हूँ और इस ब्लॉग में भी बताएंगे हम इस क्रेग नैनो नेचर पार्क के बारे में।
दोस्तों वहाँ जाने से पहले, नेचर पार्क जाने से पहले हम आ गए हैं बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा। क्रेग नैनो है ये। ईटेबल्स आर नॉट अलाउड। और दोस्तों यहाँ भी पीना अलाउड नहीं है, घूमने के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है और यहाँ लगती है 50 रुपये की टिकट। तो टिकट ले ली है हमने और अंदर घुस गए हैं। तो दोस्तों यहाँ भी बड़ा सुंदर नज़ारा है। ये दोस्तों फूल लग रहे हैं दोनों तरफ, और ये इस तरफ से नेट लगाया हुआ है, फ्लावरिंग हो रही है, और इधर भी सेब में फ्लावरिंग हो रही है। घर है ना, घर है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये बागवानी प्रशिक्षण संस्थान है, और यहाँ जो है ना
पहले कोई टिकट विकट नहीं लगती थी, यहाँ बागवानी के ऊपर रिसर्च होती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, और यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं, बागवानी के बारे में सीखते हैं। लेकिन जब से ये कांग्रेस सरकार आई है हिमाचल में, तब से हर चीज़ पे इन्होंने टिकट लगा दी है। पहले यहाँ वैसे ही आते थे लोग, घूमते थे, देखते थे, चले जाते थे, अभी यहाँ 50 रुपये की टिकट लगा दी है इन्होंने। तो आज था संडे का दिन, हमें कोई यहाँ पर ज़्यादा लोग मिले भी नहीं, और ये नीचे जाके देखते हैं क्या है। वाह, कितनी तरह के फूल है, पर दोस्तों बंद है ये। ये केचुआ पिट, ये सब चीज बंद की हुई है इन्होंने। ये पौध बना रखी है, ये भाई सारे सेब में फ्लावरिंग हो रही है। ये सारा सेब है, प्लम है, प्लम भी है। ये अरे भाई नीचे गेहूं बो रखे हैं, देखो
यार दोस्तों, यहाँ पर चीज़ें जो है देखने की ज़्यादा हैं, बोलने की कम है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, कम बोल रहा हूँ। तो यहाँ देखने की चीज़ें हैं, आप देखते रहिए, नज़ारा आनंद उठाते रहिए। और देखिए, ब्लॉग बेशक लंबा हो जाएगा ये, पर यहाँ मैं बहुत सुंदर चीज़ें हैं देखने की। और इधर अभी यहाँ पर एक इनका जो है ना हॉल है एक, जहाँ पर देखते हैं अंदर जाके क्या है। वैसे बाहर इन्होंने लिखा हुआ है म्यूजियम है यहाँ पर, तो अब देखते हैं अंदर कैसा म्यूजियम है। और भाई यहाँ लग रही है सेब की वैरायटी, और उनकी फोटो और उनके नाम लिखे हुए हैं। भाई अब तक हमें पता था सेब है बस ये, आज पता चला इतनी तरह के सेब होते हैं। हमने तो बस यही देखा था, सेब 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 है, सेब ले लो। और दो तीन तरह के सेब ही मिलते हैं हमें आमतौर पर आज यहाँ देख के पता चल रहा है भाई इतनी तरह के सेब होते हैं। आप तो बहुत तरह के सेब हैं यहाँ पे।
और भाई यहाँ लिखी हुई है एप्पल की हिस्ट्री, भाई स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना चाहे वीडियो रोक के पढ़ लेना, पढ़ के मेरे पे सुनाई नहीं जाएगी। और भाई मुझे लग रहा है ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए नेचर पार्क दिखाऊंगा तुम्हें अगले ब्लॉग में। आज का ये ब्लॉग तो मुझे लग रहा है कि यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। दोस्तों आज हम लोग यही पूरा करते हैं, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में जल्दी एक नई जगह पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपना चरित्र कुछ इस प्रकार से विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।